जनपद में गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 32 केंद्रों पर 18,057 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 13,767 और सेकेंड डोज लेने वालों में 4,290 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि गुरुवार को 2 महिला तथा 2 अभिभावक स्पेशल केंद्र पर वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सीएचसी व पीएचसी सहित 32 केंद्रों पर कुल मिलाकर 18,057 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने कहा, जिले में वैक्सीन की कमी नहीं है, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वह लोग वैक्सीनेशन जरूर करवा लें और समाज के साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले शौर्य प्रताप सिंह, ज्योति सिंह, शशांक प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, शौर्य प्रताप सिंह। मैं गोरखपुर से आया हूँ, मतलब मेरा घर वीर बहादुरपुरम में है और आज मेरी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है पहली डोज़ की अपेक्षा, पहली डोज एम्स में लगा हुआ था, काफ़ी स्मूथ था, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल मैं बड़ा खुश हूँ कि दूसरी वैक्सीन मुझे लग गई। जनता से क्या अपील करना जी? जनता से क्या अपील करना? मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग से कि अगर गवर्नमेंट इतनी बेहतरीन व्यवस्था कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करके इसमें इस जो ड्राइव है उसमें सबको वैक्सीनेशन लगना चाहिए। सरकार का एफर्ट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हम मतलब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है वो काफ़ी अप्रिशिएटिंग है। ज्योति सिंह पेडले गांव से हैं सर। आपका वैक्सीन कितने देर से यहाँ खरीद लिया? 10 मिनट लगा। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सब लोग लगवाएं ताकि ये देश कोरोना मुक्त हो, बस यही अपील है जनता से। सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन कराए, क्या कहेंगे सरकार? बहुत अच्छा कदम उठा रही है। शशांक प्रताप सिंह नाम है मेरा, गोरखपुर से ही हैं, यहाँ के लोकल हैं और 22 साल उम्र है जी। वैक्सीनेशन हो गया? जी हाँ बिल्कुल, अभी हुआ है वैक्सीनेशन, मेरी सेकेंड डोज लगी है मुझे और काफ़ी अच्छा लग रहा है, महसूस काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट या सेकंड डोजेस नहीं लगवाए हैं तो बिल्कुल जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है अंदर और आपको इस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी आ जाती है, तो आपको प्रोटेक्टेड फील होगा। एंड मास्क पहन के रखें, सुरक्षित रहें। गवर्नमेंट के इस प्रयास को बहुत ही इम्प्रेसिव कहूँगा, क्योंकि ये इतने वाइड स्केल पे करवाना, इस ऐसी चीज़ों को कंडक्ट पूरे कंट्री में और वो भी दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में, बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही एक्सेलेंट प्रयास रहा है गवर्नमेंट का, तो इसके लिए थम्स अप। आज हमारे ज़िले में 32 चेकों पर टीकाकरण चल रहा है, इसमें से जो 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं जो हमारे महिला जिला अस्पताल में और एक कैंपेयरगंज में चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं जिला अस्पताल में संक्रामक रोग में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारे रूरल एरियाज के विभिन्न अस्पतालों में हमारे सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का हमारा लक्ष्य है 10,000 से ज़्यादा का लक्ष्य। हम वैक्सीनेशन सेंटरों पर काफ़ी लोग आएंगे
कोविड वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सर जनता से क्या कहते हैं? जनता से अपील है कि कोरोना अभी गया नहीं और सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करें और जब भी बुलाया जाता है तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और अपना वैक्सीनेशन कराएं, साथ साथ कोविड नियमों का पालन करें, जिसमें से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ इलाकों में मत जाएं, पार्टियों में अभी कुछ दिन तक ना जाएं, छोड़ दें, जिससे कि संक्रमण कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।